इफ्तार के लिए क्या खाना सुन्नत है, इफ्तार में क्या खाएं कि ये सुन्नत है। तो वैसे तो आप जो भी खा सकते हैं, जो आपके पास में चीज़ है, आपके पास मौजूद है, वो आप उसमें खा सकते हैं। लेकिन जो है सही तिर्मिज़ी की रिवायत है हदीस नंबर 696 कि अल्लाह के रसूल सल्लम इफ्तार जो है ताज़ा खजूर से या सूखी खजूर से, या फिर जो है उलमा लिखते हैं कि कोई भी मीठी चीज़ से आज इफ्तार कर सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ से आप इफ्तार कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपके पास में मौजूद है उससे इफ्तार की जा सकती है। नमक से करना कोई ख़ास सुन्नत नहीं है, नहीं तो इसको लोग क्या करते हैं, नमक से नमक लाओ भाई नमक लाओ, नमक के लिए लोगों को परेशान करते हैं, कहीं जाते हैं तो वो वहाँ पर मसला क्रिएट कर, भाई नमक से सुन्नत है। औरतें ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करती है या लोग पुड़िया में बांध कर ले जाते हैं, तो नमक से कोई ऐसी सुन्नत नहीं है। नमक से किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं नमक से सुन्नत है तो फिर वो बिदअत में शुमार होगा, गुनहगार है। लेकिन उसके पास नमक ही है, नमक की खदान में काम करता आदमी, अब कुछ भी नहीं है तो नमक लेके खा ले, उसके लिए कोई चारा नहीं, तो ख़ास कोई सुन्नत नहीं है। या फिर जो भी चीज़ है वो जो है इससे खा सकता है, इसको खा सकता है। बाहर जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएँ, खजूर वगैरह को आप पैकेट में रख कर ले जाएँ तो इसको खा सकते हैं।